दिस वेलकम बैक टू रोन चैनल ई पार्ट चला आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल सो आज के इस पर्टलर वीडियो में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जो कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की एक पार्ट है इससे पहले ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आई होप आप सभी ने वीडियो देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगी और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं तो आई होप आप सभी लोगों को अब ये फ्लो चार्ट याद हो गया होगा और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक वीडियो में इसको इंक्लूड करूँ उसका रीजन ये है ताकि आपके माइंड में ये ज्यादा टाइम तक रिटेन रहे और एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर कुछ भी गलत करके ना आए ठीक है तो हमने अभी तक डिस्कस किया है रेलिवेंट थ्योरी एंड इन रेलिवेंट थ्योरी के बारे में रेलिवेंट थ्योरी में हम नेट इनकम अप्रोच को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनरेलीवेंट थ्योरी में हम ऑलरेडी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को डिस्कस कर चुके हैं ठीक है आज हम बात करेंगे रेलिवेंट थ्योरी का दूसरा पार्ट जो है दैट इज आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में ठीक सो चलते हैं सीधा थ्योरी की तरफ ट्रेडिशनल अप्रोच अब ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पे इंटरमीडिएट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अब इंटरमीडिएट अप्रोच क्यों कहा जाता है उसका रीजन यहाँ पे बताती हूँ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है नेट इनकम अप्रोच राइट एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में ठीक है जिन्होंने अब तक वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो एक मिडवे है आपकी नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की इसीलिए इसको इंटरमीडिएट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है तो इस चीज को आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में आपसे इंटरमीडिएट अप्रोच पूछता है वैसे तो नहीं पूछा जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच प्रॉपरली लिखा मिलेगा लेकिन इन केस अगर देते हैं तो ये याद रखिएगा इंटरमीडिएट अप्रोच आपको ट्रेडिशनल अप्रोच को ही कहा जाता है ठीक है तो हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है मैंने आपको बताया है कि अप्रोच इसका मतलब अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की कंसिडर करती होगी राइट right? तो ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली आपकी क्या कहती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेट को इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट तक इस पॉइंट के आगे अगर आपने डेट को इंक्लूड किया तो आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिक्रीज करेगी ना कि इंक्रीज करेगी क्या बोला मैंने वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज करेगी इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप डेट इंक्लूड करते जा रहे हैं इसका मतलब आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आपके ऊपर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा आती जा रही है ठीक है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है ठीक और जितना ज़्यादा वो रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपसे रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है अगर आप उनको उतना रिटर्न नहीं दे पाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी या फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगी तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक तो आप डेट को इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज कर सकते हैं बट उस पॉइंट के आगे अगर आपने डेट को इंक्लूड कर लिया तो इससे क्या होगा आपकी वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज कर जाएगी ठीक है आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका

डेट शुड एग्जिस्ट इन दैपिटल स्ट्रक्चर ओनली अप टू अड विच एनी इंक्रीज इन दैट इज आपका डेट वुड रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फर्म तो अगर एक पॉइंट के बाद आपने लेवरेज इंक्रीज किया डेट इंक्रीज करी तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म रिड्यूज हो जाएगी ठीक है सो दिस अप्रोच फेवर्स डेट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अप टू सम पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस अब अगर आप इस स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो शायद ये स्टेटमेंट थोड़ा पढा पढ़ा-पढ़ा लगेगा एक बार छोटा सा रिकेप करिए नेट इनकम अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि आप डेट को इंक्लूड करेंगे तो उससे क्या होगा आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिक्रीज करेगी और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज करेगी राइट right? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है दैट दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल एवरेज अप टू सम पॉइंट बस यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है सम पॉइंट आपकी नेट इनकम अप्रोच में पॉइंट की बात नहीं करी गई थी ठीक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि नेट इनकम अप्रोच की बात कर रहा है यहाँ पे राइट हाउएवर बियॉन्ड दैट पॉइंट रिवर्स ट्रेंड इमर्जेस तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसा आपको पहले मिल रहा था उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ठीक है सो द प्रिंसिपल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ दैट दिस थ्योरी इज रेलिवेंट ठीक है रेलिवेंट इनरेलीवेंट अप्रोच याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि रेलिवेंट थ्योरीज कौन सी हैं डिस्क्राइब करिए उन्हें ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलिवेंट थ्योरी के अंदर कौन कौन सी आती है और रेलिवेंट थ्योरीज आपकी कौन कौन सी हैं ठीक सो डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर विच मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है आई होप so, यहां तक समझ में आ गया अब इसको देख लेते हैं हम डायग्राम से जिससे ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आपका कॉस्ट ऑफ डेट और यहाँ दिया है आपको डिग्री ऑफ लेवरेज ठीक है के ओ से भी डिनोट कर सकते हैं आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पे लिख देती हूँ ठीक है देखिए यहां पे क्या बता रहा है जो डॉटेड लाइन है दैट इज आपका कॉस्ट ऑफ डेट ये वाला ठीक है जितना आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्लूड करते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन कर रही है है ना ये कुछ इस तरीके से फॉल कर रही है ठीक है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज कर रही है लेकिन बहुत स्लो पेस में तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया तक हम ईजिली डेट को इंक्लूड कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक है अब ये जो पॉइंट आ जाता है ये पॉइंट आ जाता है आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का ठीक है अब ये पॉइंट क्या बताता है कि अगर हमने इस पॉइंट के आगे डेट को इंक्लूड किया ठीक है ना ये जो पॉइंट है इसके आगे आप देखिए जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाते जा रहे हैं आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी राइज कर रही है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो और स्पीड में राइज कर रही है

और ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का तो बेसिकली इसमें थ्री स्टेजेस होती हैं आपकी बुक में आई गेस इतना डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है जिससे आपको क्लैरिटी हो क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स फर्दर यू जी सी नेट जे प्रिपरेशन करने वाले हैं सोच रहे हैं उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है तो आप चाहे अभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं चाहे आप नेट जे के लिए सोच रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं दोनों के लिए ही ये इक्वली इम्पॉर्टेंट

कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉन्स्टेंट है तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन कर रही है है राइट ठीक तो ये आप कह सकते लो कॉस्ट एडवांटेज ऑफ द डेट क्योंकि डेट हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा अब सेकेंड स्टेज क्या बोल रहा है फर्म in no effect on लेवल ऑफ of इंक्रीज इन and the वैल्यू ऑफ द फर्म बात कर रहा है इस point की यहां से लेके यहाँ तक अब ये बोल रहा है कि सेकेंड स्टेज में आप एक रीजनेबल लेवल के आगे अगर डेट को इंक्रीज करेंगे डेट को बढ़ाएंगे तो उससे आपकी फर्म के ऊपर फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं आने वाला है ठीक है और ये अप्रोच हमने किस में पढ़ी थी एन ओ आई में दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यही कह रही थी ना राइट right? कि आप डेट को इंक्लूड करते जाएंगे करते जाएंगे लेकिन जो भी आपको वहाँ से अर्न होगा वो ऑफसेट हो जाएगा आपका कैसे क्योंकि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न देना पड़ेगा क्योंकि वो रिस्क फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा उठा रहे हैं ठीक तो ये जो पोर्शन है आपका लेट मी शेयर दैट क्लियर हो जाए कहीं ना कहीं आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को डिपेक्ट कर रहा है ठीक है सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अ फर्दर राइज इन द डेट कैपिटल इंक्रीजेज द रिस्क टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लीड टू अ राइज इन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट सो द राइज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जैक्टली ऑफ सेट द लो कॉस्ट एडवांटेज ऑफ द डेट कैपिटल सो दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स द कॉन्स्टेंट तो आप देख भी रहे हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक तरीके से कांस्टेंट ही है ठीक है लेकिन यहाँ पे आप की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख सकते हैं आप राइज कर रही है है ना ठीक अब आती है हमारी लास्ट स्टेज डेट इज स्टेज थ्री अब इस स्टेज में क्या बोल रहा है दैट इफ द फर्म इंक्रीज डेट कैपिटल फर्दर एंड फर्दर बियॉन्ड द रीजनेबल लेवल अब ये था हमारा रीजनेबल लेवल इसके आगे आप जितना ज्यादा डेट को इंक्लूड करते जाएंगे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो इंक्रीज हो रही है लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये राइज कर रही है है ना सो इट विल कॉज एन इंक्रीज इन द रिस्क टू बोथ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स बिकॉज ऑफ विच बोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट स्टार्टिंग टू राइज इन दिस स्टेज और जब दोनों ही बढ़ेंगी तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी तो इंक्रीज करेगी राइट right? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ग्राफ तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो आपकी नेट इनकम अप्रोच को डिफाइन करता है सेकेंड स्टेज आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को और जो थर्ड स्टेज हमारा है ये बेसिकली आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर ये कहना चाह रही है ठीक है कि एक पॉइंट तक एक ऑप्टिमम लेवल तक ही हमें डेट को इंक्लूड करना चाहिए उसके बाद वरना आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही इंक्रीज करेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई होप ये विजिबल हो अगर नहीं है तो बता देती हूँ यहाँ लिखा आपको ऑप्टिमल लेवल ऑफ डी ई एंड डब्ल्यू ए सी सी तो ये है आपका ऑप्टिमल लेवल यहीं तक आप डेट को इंक्लूड कर सकते हैं इसके बाद अगर किया तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी डेट भी बढ़ जाएगी इसकी वजह से आपकी जो डब्लू ए सी सी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी ठीक है क्लियर नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के की तरफ अब मैंने आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताई और इसमें भी यही बताऊंगी कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में थ्योरीज पूछते हैं और उसमें अगर अजम्पन्स दी हुई हैं तो आपको अजम्पन्स मेंशन करनी है चाहे स्पेसिफिकली उसमें लिखा हो या ना लिखा हो क्वेश्चन में ठीक है क्योंकि थ्योरी के साथ आपकी अजम्पन्स आती ही आती हैं ठीक है पहला पॉइंट है आपका

ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दैट द एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ग्रेजुअली आफ्टर दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स स्टार्ट रिसीविंग अ फाइनेंशियल रिस्क एंड एंड देन फ्रॉम द द ऑप्टिमल पॉइंट एक्सपेक्टेड रेट होल्डर स्पीड जैसा कि अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि कितनी स्पीड से लास्ट में आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो राइज किया था तो यहां पर भी वही चीज बोल रहा है कि जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा हो जाता है इसलिए वो उतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से कि वो रिटर्न भी उनको उतना ही ज्यादा दे ठीक है और लास्ट पॉइंट है एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न द डब्ल्यू एच सी सी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस है ना पहले तो हमने जब डेट को इंक्लूड किया तो आपकी क्या हो गई डिक्रीज कर गई फिर कॉन्स्टेंट हो गई और फिर उसके बाद वो क्या कर गई थी आपकी राइज कर गई थी ठीक सो द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तो ये वाला जो पॉइंट था आपका ये क्या था आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट था ठीक तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टल स्टे सेफ स्टे हेल्थी बाय टेक केयर